Good morning to all of you and welcome to the Parsha International School. So last class में हमने libraries के बारे में discuss किया था, आज उसी को carry forward करेंगे. So last class में मैंने आपको बताया था libraries. क्या बताया था मैंने इसके बारे में? Libraries का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं type. लाइब्रेरीज का मतलब जिनको आपको फ्यूचर में चुकाना है. लाइब्रेरी ये आपकी करंट ऑब्लिगेशन है, मतलब आज के दायित्व है, ये करंट ऑब्लिगेशन है, विच इज गोइंग टू बी पेड और विच विल बी पेड इन ईयर फ्यूचर, जिसको आप फ्यूचर में चुकाएंगे उसे हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरीज. फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में, दो टाइप्स पढ़ाए थे मैंने आपको. एक था शॉर्ट टर्म लाइब्रेरी, अल्पकालीन दायित्व, और एक था लॉन्ग टर्म लाइब्रेरी. मीनिंग बताया था मैंने, शॉर्ट टर्म का मतलब वो लाइब्रेरी जो आपको चुकानी है अगले एक साल के अंदर, विद इन वन ईयर. और लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज के बारे में मैंने आपको ये बताया था, लॉन्ग टर्म लाइब्रेरीज वो लाइब्रेरीज होती है जिनको आप चुकाएंगे एक साल से ज्यादा समय के बाद, एक साल के बाद. और ये एक साल कहां से काउंट होता है? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड से. और एग्जाम्पल्स वगैरह दिए. चलो आज थर्ड टाइप पढ़ेंगे. कई लोग लाइब्रेरीज को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करके ऐसे क्लासिफाई करते हैं, कहते हैं एक होती है इंटरनल लाइब्रेरी और एक होता है एक्सटर्नल लाइब्रेरी. हिंदी में बोलते हैं आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व. मीनिंग क्या हुआ इंटरनल लाइब्रेरी का? ये वो लाइब्रेरी है जो फर्म को चुकानी है. इंटरनल मतलब अंदर वाले को, अंदर वाले का मतलब क्या होता है? बड़ा मालिक को, ओनर. तो मालिक के टुवार्ड्स जो भी लाइब्रेरी होती है, मालिक को जो भी पैसा देना होता है, भाई फर्म ने पैसा किससे लिया होगा? या तो मालिक से, अंदर वाले से या बाहर वालों से. जो अंदर वाले से ले रखा है वो इंटरनल, और जो बाहर वालों से ले रखा है वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दुकान है, इस दुकान का मालिक ये है. ए ने आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कुछ पैसा लगाया होगा, जिसे आप लोग बोलते हैं कैपिटल. मतलब ये पैसा फर्म के लिए लाइब्रेरी है क्योंकि वापस चुकाना पड़ेगा, और किसको चुकाना है? मालिक को, अंदर वाले को. इसलिए इंटरनल लाइब्रेरी है, कैपिटल, मालिक का पैसा. लेकिन यही अगर मैं बोलूं इस फर्म ने बैंक से लोन ले रखा, एक्सटर्नल लाइब्रेरी, क्योंकि बैंक बाहर वाले, बैंक लोन. क्रेडिटर, जिसने फर्म को उधार माल दिया, वो भी बाहर वाला, एक्सटर्नल लाइब्रेरी. बिल्स पेबल, एक्सटर्नल लाइब्रेरी. ये सब एक्सटर्नल है. लेकिन अगर बोलूं कैपिटल, मालिक का पैसा, ये इंटरनल लाइब्रेरी. ये न्यू वर्ड बोलूं रिजर्व. रिजर्व का मतलब क्या होता है? हर साल फर्म अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रोक लेती है, उसे बोलते हैं रिजर्व करना, पैसा रोक लेना. ये रिजर्व आज नहीं तो कल, ये पैसा जो आपने रोका है ये मालिक का है, आज नहीं तो कल उसको देना पड़ेगा. तो ये भी कौन सी लाइब्रेरी? इंटरनल. तो इंटरनल लाइब्रेरी मतलब वो लाइब्रेरी जो आपको चुकानी है टुवार्ड्स द ओनर, मालिक. मालिक को जो पैसे देने होगा ना, उसे बोलते हैं इंटरनल लाइब्रेरी. और जो बाहर वालों को देना, बाहर वाले का मतलब मालिक के अलावा कोई, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी. चलिए, तो लाइब्रेरी समाप्त हुई, कल एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे.